हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू दी अगेन दी प्लेटफॉर्म ऑफ दी अग्रवाल क्लासेस। सो बच्चों, हमने SN1 के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, जाके क्लिक कीजिए। पहले SN1 देखिए, देन आज मैं आप लोगों को SN2 मैकेनिज्म सिखाने वाली हूँ। तो बच्चों, सेम वैसे ही है, जिन लोगों ने देखा उनको ये बहुत ज़्यादा ईजी जाने वाला, बिकॉज आधे से ज़्यादा पार्ट सिमिलर एग्जैक्टली SN1 के जैसा। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले SN1। सो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले एस का मतलब लिखेंगे, इट्स कॉल्ड दी सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब इज न्यूक्लियोफिलिक एंड टू इज बायमोलार। सो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायमोलार रिएक्शन इज नथिंग बट SN2 रिएक्शन और दी मैकेनिज्म। हमने है ना SN1 का ऐसा किया था, उसमें 1 था तो इट्स कॉल्ड यूनिमोलर, यहाँ पे 2 रहेगा तो इट्स कॉल्ड बायमोलर। ठीक है, मतलब सेम है। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे बायमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नथिंग बट अ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, ये मेरा फुल फॉर्म हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल क्या? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। सी, वहाँ पे हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया था SN1 में, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत 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 ध्यान दो बच्चों, हम SN1 में टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते तो SN2 में क्या यूज़ करेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद NaOH, रिएक्शन प्लस एंड माइनस पे होगा। देखो, Br नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, तो मेरा बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया बच्चों? NaBr। NaBr निकाल दो, मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3OH। सो मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद द NaOH टू फॉर्म मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो इट्स गिव मिथाइल एल्कोहल विच इज़ अ मेजर प्रोडक्ट इन दी SN2 मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल हो गया। नाउ एग्जैक्टली हम लोग वहाँ पे क्या किए थे? रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी स्क्वायर ब्रैकेट के लिए मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था? इट्स अ मोलार कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज OH-। प्लीज़ बहुत ध्यान देना बच्चों, वहाँ पर हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड था, पर यहाँ पर डिपेंड्स ऑन दी बोथ। मतलब जैसे मैंने आपको कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था, अगर मेरा रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है शुगर पे भी डिपेंड है एंड मिल्क पे भी डिपेंड है, दैट इज़ कॉल्ड SN2 और सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो रहा है कि दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड रहेगा। देयरफॉर इफ मीन्स इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंग्रेडिएंट इंक्रीज और रिएक्टेंट इंक्रीजेस, तो माई रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ अब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है, हमको पता है, बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म लगता है CH3Br एंड OH-, दैट्स इट। हो गया ये इतना टर्म होने के बाद, अब यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर SN1 बोला था, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एंड दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर। वाई? बिकॉज डिपेंड्स ऑन बोथ। स्टूडेंट, सो वाई इट्स कॉल्ड दिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर क्यों बोलेंगे? सिंस माई रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स है? डिपेंड्स ऑन दी बोथ। बोथ मीन्स यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज OH-, मीन्स मेरे दोनों रिएक्टेंट पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है, देयर फॉर इट्स कॉल्ड दी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वाई इट्स कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर? बिकॉज डिपेंड्स ऑन दी बोथ। और मैंने आपको बताया है, उसमें एग्जाम्पल दिया था सेम,
ऐसा स्टूडेंट जो कॉलेज एंड क्लास दोनों पे जा रहा है एंड दोनों पे डिपेंड है, कॉलेज की पढ़ाई पे एज वेल एज क्लासेस पे, दे आर कॉल्ड दिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ एक पे डिपेंड है फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा स्टूडेंट जो दोनों पे डिपेंड है सेकेंड ऑर्डर, तो दे आर कॉल्ड दिस सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो बच्चों ये मेरा पूरा इसका थियोरेटिकल पार्ट हो गया जो मैंने आपको बताया था. एग्जैक्टली सिमिलरली अगर SN1 जिन लोगों ने देखा होगा उसको तो यूँ आ जाएगा ये करने. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वहाँ पर याद रखना है SN1 था पर step 2, और यहाँ पे आपको याद रखना है SN2 है तो step 1. ठीक है, वो सॉन्ग है ना 1 2 का 2 2 2 का 1, ऐसा 4 है पर हम लोग को ऐसा याद रखना है. ठीक है बच्चों, सो इट कंसिस्ट ओनली वन स्टेप. ठीक है, एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप स्टेप पे डिपेंड करता है. कैसे होता है देखो, ओके बच्चों सी एक ही स्टेप है. यहाँ पर क्या होगा देखो, वन स्टेप में क्या होगा, कार्बन ब्रोमाइड की बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट OH. ठीक है, व्हेन OH ग्रुप अप्रोचेस टू द कार्बन एटम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड दैट इज कॉल्ड बैक साइड अटैक. ठीक है, एंड देन RDS सबको पता है स्लो स्टेप होता है, TS इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पर कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो रही है, एट द सेम टाइम कार्बन OH की बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है, एंड कुछ टाइम के बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज माई मिथाइल अल्कोहल. ठीक है, नाउ बच्चों है एक ही स्टेप पर हम लोग को 4 पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, 1 by 1 एक एक पॉइंट बता रही हूँ. जैसे कि दिस इज माई पॉइंट नंबर 1, दिस इज माई पॉइंट नंबर 2, दिस इज माई पॉइंट नंबर 3 एंड दिस इज माई पॉइंट नंबर 4. ओके, ये 4 पॉइंट हम लोगों को SN2 में लिखना है. जैसे पहला वाला पॉइंट जिसे हम बोलते हैं बैक साइड अटैक. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय बैक साइड अटैक, शॉर्टकट में बता रही हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान दो. यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन OH ग्रुप, ठीक है, ठीक है, व्हेन OH ग्रुप, व्हाट इज बैक साइड अटैक, देखो बच्चों, व्हेन OH ग्रुप अप्रोचेस टू द कार्बन एटम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड इट्स कॉल्ड बैक साइड अटैक. देखो इसका एग्जांपल मैं ऐसा दे सकती हूँ, आप और आपके कोई फ्रेंड आपस में बात करें, आपका फ्रेंड पीछे से कोई तीसरा फ्रेंड आके पीछे से धक्का देने आया, तो ऐसे छुप के आएगा तो पीछे से अटैक करेगा, दैट इज कॉल्ड बैक साइड. सेम यहाँ पर है, कार्बन ब्रोमाइड की बॉन्ड है, इसके अपोजिट में खाली OH ग्रुप उस तक पहुँच रहा है, तो पहुँच रहा है तो कुछ ना कुछ करने के लिए पहुँच रहा है, दे आर कॉल्ड बैक साइड अटैक, दैट इज कॉल्ड बैक साइड अटैक, दैट इज माई पॉइंट 1. नाउ पॉइंट 2, RDS और स्लो. ठीक है, why it's called RDS, because it is a slow step, आप लोग को बता ही हूँ मैंने RDS का इसका पॉइंट ईजी है. ठीक है, why here RDS is involved, because it is a slow step. ठीक है, because it is slow step, therefore RDS is involved. बस इतना पॉइंट इसका याद रखना है. ठीक है बच्चों, why RDS is involved, because it is a slow step, that's it, ये हो गया मेरा. Now third point, it's called that transition state. ठीक है, transition state जिसको हम लोग यहाँ पर TS भी बोलते हैं, मैं ऐसा बता रही हूँ. ओके, इसको हम लोग TS भी बोलते हैं. नाउ ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे
ठीक है, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? व्हेन कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग एट द सेम टाइम कार्बन ओएच बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग. ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो कार्बन ब्रोमाइड की बॉन्ड ब्रेक हो रही है, उसी टाइम पर कार्बन ओएच की बॉन्ड में फॉर्म हो रही है, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. याद रखने का तरीका, अभी यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन थोड़ा सा नॉटी पर्सन है, उसने क्या किया, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है उसी टाइम पे, मतलब ब्रेकअप कर रहा है ब्रोमीन के साथ, और उसी टाइम पे देख पीछे साइड पे क्या कर रहा है, ओएच के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो एक साइड पे ब्रेकअप हो रहा है, एक साइड पे पैचअप हो रहा है, दे आर कॉल्ड टीएस. याद रखना SN1 में ऐसा नहीं होता, SN1 का कार्बन बहुत अच्छा था, सीधा साधा था, बंदे ने क्या किया पहले ब्रोमीन को ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसने बॉन्ड फॉर्म किया. पर यहाँ पे चिटिंग कर रहा है, देखो एक साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रही है मतलब ब्रेकअप हो रहा है, और उसी पीछे साइड से क्या कर रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है मतलब पैचअप कर रहा है. तो दैट इज माई SN2 है. SN2 देखो अपने केमिस्ट्री में भी ये सब होता है, हर जगह होता है सब चीज़ें, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ये हो गया. लास्ट वाला पॉइंट है मेरा कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्या है, यस, सो व्हेन कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड कंप्लीटली ब्रोकन, यहाँ पर मेरी कार्बन से ब्रोमीन अलग हो गया तो कंप्लीटली ब्रोकन एंड कार्बन ओएच बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म, देन रिएक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है बच्चों, तो दीज आर दी माई 4 पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया. अगर दिमाग में समझेगा बहुत ज़्यादा ईजी है, मुश्किल से आपको 30 मिनट्स भी नहीं लगेंगे अगर इसके आपने प्रिपेयर करने की कोशिश, बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो. ओके, एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर आपको इसके पॉइंट्स को कैसे याद रखना है. ओएच खाली कार्बन तक पहुँच रहा है, दे आर कॉल बैक साइड, बिकॉज ये रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, दे आर कॉल RDS इज इन्वॉल्व. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड की बॉन्ड ब्रेक होना एंड फॉर्म होना एक टाइम पे हो रहा है, दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट. एंड कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का मतलब व्हेन कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए और उसी टाइम पे कार्बन ओएच बॉन्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए, देन रिएक्शन इज कंप्लीटेड. बस एक पॉइंट याद रखना, ये इन्वर्शन स्ट्रक्चर दे रहा है. ठीक है, रिटेंशन इन्वर्शन दो टाइप होते हैं, आप देखोगे इसका मिरर इमेज दे रहा है, ये हमेशा बैक साइड ही करता है, फ्रंट साइड अटैक नहीं कर सकता है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो गलत चीज़ें हो रही है तो पीछे से ही होगी ना, तो इसकी वजह से बैक साइड हो रहा है. जबकि अगर मेरा SN1 होता वो बैक साइड एज वेल एज दोनों साइड से हो सकता है. ठीक है, पर ये बैक साइड अटैक करता है, इस वजह से इसका इन्वर्शन मतलब मिरर इमेज आएगी. ठीक है बच्चों.